इसलिए बोला था कि छोड़ना क्या है आप See, this is the first year we are doing this film festival, which is called Moon White Film International Film Festival. And I think we have so many delegates from out of India, and we are very proud for being a first year. So, like, I'm very happy. Oh, I'd like to thank you very, very much, De Fascis. I've had a wonderful afternoon with my emotions going up and down, and I've enjoyed very much all the films and the acting that was going on. So thank you very much for bringing this all together. So what is the theme of this film festival? Can you tell us about more details about this event? See, festivals like, if you know that all festivals are almost same, but what we are doing different, that we have commercial movies over here and we have short films over here, documentaries over here. So it's I think this is the first time that the commercial movie and the short films are been in our film festival, and it's been screening. Sir, can you introduce? Yes, sir, Mr. I, your name? Martin. I'm sorry. Yes. Yes, Mr. Martin. He's from Dutch consulate. Yeah, and he's a filmmaker, Mr. Jonah Jones from Wales. From Wales, and he's a filmmaker. My name is Amir Hargil. I'm from Israel. And sir, he's a filmmaker. Share about today's film festival. How was the Well, it's my first trip to Mumbai, which is the second centre of filming, in, as we well know, after Hollywood is Bollywood. So I'm delighted to be here. Thank you. Pleasure. Yes. Please, you talk in Hindi. देखिए ये पहला इवेंट है जो 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 अभी ये देवाशीष सरगम जी ने किया है और इसमें मेन बात यह है कि ये जो इवेंट हो रहा है ये जो शॉर्ट फिल्में लोगों ने बनाई है उसका उसका जो उपयोग हो रहा है एक्चुअली माने में ये लोग कर रहे हैं ओके तो सेटिंग कर दो हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जैसे कि आप यहाँ पर आप सभी फिल्मों को देखने वाले भी हैं जज करने वाले भी हैं तो किस तरह से आप उसको जज करेंगे नहीं अभी पब्लिक जो खड़ी है उनको जज करना है कि यह फिल्म की बात कर रहे हैं तो फिल्म के बाद में जज कर लिया हम लोगों ने जज करके जो फिल्मों को हम लोगों ने हम चारों जूरियों ने जो चुना है जिस फिल्म को समझे हैं उसको हम लोगों ने जो है उसके लिए अवार्डेड किया है ओके सर यू आर बीइंग एस्ट्रोलॉजर आल्सो आप भविष्यवाणी की जाना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म फेस्टिवल के बारे में देखिए ऐसा है कि फिल्म फेस्टिवल पहली साल पहली बार सक्सेस की ओर जा रहा है बीइंग एस्ट्रोलॉजर आई एम टॉकिंग समझ लीजिए कि ये पहली बार हुआ और सक्सेस की ओर जा रहा है और अगर सक्सेस की ओर नहीं जाने वाला होता तो मैं जुड़ता नहीं तो इसका भविष्य बहुत अच्छा है जी बोलिए ओके सर जैसे कि आप भविष्यवाणी करते हैं तो हमारे देश की क्या भविष्यवाणी करेंगे आप? अरे आप तो आप अभी राम मंदिर बनेगा कि नहीं आपको क्या लगता है देखिए राम मंदिर का मसला तो सुप्रीम कोर्ट के पास है और राजनीति का जो जो अखाड़ा है उसके पास है ये अभी हम इसके ऊपर में अगर हम बोलें कि राम मंदिर बन जाएगा या राम मंदिर नहीं बनेगा ये प्रश्न जो है अभी आज की तारीख में या इस अवार्डेड ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें इसके बारे में अभी हम बोलना मुश्किल है
लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो भाई एक्चुअल माने में कोर्ट के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो क्या डिसीजन देता है। जो खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसका जो मकसद होता है, ये सब ये नहीं है कि फिल्म दिखा दी और लोगों ने देख ली और उनको सम्मानित कर दिया गया। इसका मकसद ये होता है कि यही फिल्म मेकर जो हैं ये आगे चल के इंटरनेशनल लेवल की ऐसी फिल्में बनाएं कि जो 1,000 करोड़ का कलेक्शन करें और उन फिल्मों को सारी दुनिया देखे, उन्हें ऑस्कर मिले, तो ये उनको हिम्मत बढ़ाई जा रही है। यहाँ से कोशिश हो रही है कि उनकी हिम्मत वहाँ तक बढ़ाई जाए। यंग प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, अभी मैं मिला भी एक दो लोगों से, जो लगता है कि इनको तो अभी सीखना चाहिए, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं देवाशीष को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उसने इतनी मेहनत से ये सब काम किया है। इनके पिताजी का आशीर्वाद है इनके साथ, माता जी का आशीर्वाद है, और हम इनके साथ हैं, जहाँ जहाँ इनको हमारी ज़रूरत होगी हम पहुँच जाएंगे। देखिए, मैं तो इंडस्ट्री में हूँ ही इतने सालों से, बहुत फिल्में मैंने बनाई हैं, बहुत से फिल्मों में काम किया है, म्यूज़िक दिया है, गाया है, तो जब भी कोई हमारे ही इंडस्ट्री का कोई काम होता है तो उसमें हम साथ देते हैं। देवाशीष ने मुझे कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है, इसमें आप जुड़िए, तो मैं जुड़ गया हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। आप इनको खूब हेल्प करें, मीडिया की तरफ से लोगों को बताएं कितना बड़ा काम हो रहा है, और इनकी फिल्म्स को सब लोग देखें और उनको अप्रिशिएट करें। ठीक है जी, चल सर। अरुप सर, अरुप सर, here, they work here, and we all are appreciating it so much. I just watched one short film, it was beautiful, because something comes from heart is always beautiful. Emotion, nothing is more important than emotion in this world, and that's what we can see in such things. And the main thing I want to say that people who have sent their
films here, they all are winners, because once you go to some film festival where your film is welcomed, means you are welcome there, you are a winner. And rest you will see in future, that every year we'll be doing bigger and bigger way. This year Devashish has done his best, and I know that coming year he will do something better. साथ साथ में मैं अनूप जी के बारे में ये ज़रूर बोलूँगा कि करीबन 15 से 20 साल का इनका मेरा साथ है, और इन्होंने जो इस फिल्म फेस्टिवल का जो साथ दिया है, देवाशीष को जो सपोर्ट किया है, एज ए आई कैन से लाइक दैट कि एज ए फादर इन्होंने सपोर्ट किया है, और जिसके वजह से ये इतना बड़ा सक्सेस इन्हें मिला. ये इसके पीछे जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आ जाता है. और अनूप जी बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस के इंसान हैं, इनके पास जो भी जाएगा वो चार्ज हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है. तो फिर हम अगेन राहत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ आरजे थी. हम एक शो करते थे सुनतारों की धुन रेडियो मिर्ची में, तो इनका इनके साथ ही मेरा साथ बहुत पुराना है. कुल मिला के जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और आगे आप उम्मीद कीजिए कि इससे भी ज़्यादा अच्छा आगे आगे का वर्ष जो है वो होगा. धन्यवाद. तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए ऐसा है कि जब मैं फिल्म मेकर बना, जब मैं राइटिंग डायरेक्शन स्टार्ट किया, तो मुझे पता था इसके बारे में कि कितना डिफ़िकल्ट होता है अगर आपके पास कोई प्रोड्यूसर नहीं होता है, एंड वो फिल्म बनाना कितना हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ व्हेन यू डोंट हैव प्रोड्यूसर. सो मुझे लगा कि अगर मैं ये फिल्म फेस्टिवल करूँगा, और बीन अ फिल्म मेकर आई नो हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, एंड मैं यू नो आई वॉन्ट टू हेल्प ऑल द फिल्म मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड कि उनको मैं एक प्लेटफॉर्म दूँ, एंड उस जगह पर दूँ जहाँ पर कमर्शियल मूवी होती है, रिलीज़ होती है, उनको वो बूस्टअप करने के लिए मैं देना चाहता था कि येस वी कैन डू इट, एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट यू नो पीपल गेटिंग टुगेदर एंड वर्किंग हार्ड, एंड वी कैन बी इन अ कमर्शियल मूवी थिएटर लाइक दिस. So I am literally thankful to Inox, Metro. I am thankful to Bright Advertising. I am thankful to Dwarpa Consultant and many more for this, and all the filmmakers around the world and from India as well. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.